जी निज़ाम टीवी के स्टूडियो में मैं हूँ हाजी मोहम्मद सईद। आज हमारे साथ जो दरमियान हमारे जो मेहमान हैं मोहम्मद इरफान अज़ीज़ ख़ान, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी फिनांस हैं आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के। आज वो मुल्तान से स्पेशल हमारे निज़ाम टीवी के स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो आज निज़ाम टीवी को अपना इस हवाले से क्या पैगाम देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है इरफान साहब, ठीक हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक भाई साहब, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताइएगा, आप डिप्टी फाइनेंस सेक्रेटरी हैं आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के, और ये कब से हैं आप? ये भाई साहब, मैं आल पाकिस्तान क्लरिकल एसोसिएशन डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस निश्तर यूनिट से मुंतखब इलेक्ट किया है। हमारे सीनियर्स हैं, उन्होंने राना शाहिद साहब हैं और राशिद सत्तार साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, और सदर तारिक इकबाल साहब हैं, खालिद जवेद संगेड़ा साहब हैं। तो उन्होंने ये मुझे इलेक्ट किया है इस चीज़ के लिए। तो मुलाजमीन के मसाइल होते हैं वहाँ हॉस्पिटल में दरपेश, क्लरिकल एसोसिएशन को ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, जो एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग मिलकर ही करवाते हैं जी। तो इसी के लिए जदोजहद होती है हर यूनिट की। तो हम लोग भी इस यूनिट में, निश्तर यूनिट में यही जदोजहद कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि जो क्लरिकल स्टाफ होता है या आपके पैरामेडिकल स्टाफ है, अभी रिसेंटली आपके निश्तर हॉस्पिटल में मुल्तान में जो इलेक्शन भी हुए हैं पैरामेडिकल स्टाफ के, जी जी, उसमें भी आपने भरपूर हिस्सा लिया, शाहीन यूनिटी, बिल्कुल बिल्कुल, जिसके वो प्रेसिडेंट राना आमिर अली साहब हैं, बहुत नाइस पर्सन हैं, उनको हमने सपोर्ट भी की बेसिकली, और उनका इखलाक और मुलाजमीन निश्तर की जितनी भी एसोसिएशंस हैं उनमें वो मुलाजमीन के हकूक़ के लिए, देखें मुलाजमीन ने उनको इलेक्ट किया, मुलाजमीन ने ही उनको बेहतर समझा, तो उन्होंने अपनी राय दी जिससे वो राना आमिर साहब आए, और वो बड़े अच्छे, उनका वर्क भी अच्छा है, काफी लेट से जीते हैं। जी बहुत लेट से जीते हैं, हाँ, 822 बिल्कुल, और वो यानी कि बड़ा अचीवमेंट है जी जी। निश्तर के लिए भी एक बड़ा अच्छा मौका भी है। पहले काफ़ी सारी यूनिटीज काम कर रही थी, तो उसके बाद माशाल्लाह हमारे एम एस साहब हैं, वो आए, उन्होंने बताया, उन्होंने ये चीज़ को उन्होंने बड़ा हाईलाइट किया कि भाई यूनिटी जो है वो एक होनी चाहिए, उसी के तवसल से आगे मुलाजमीन के मसाइल हल होने चाहिए। लीडरशिप में मैं ये थोड़ा सा बताना बहुत ज़रूरी समझूंगा, राना आमिर साहब हैं माशाल्लाह, उनके जो वालिद साहब थे ही वाज वेरी ग्रेट पर्सन, मैं उनको जानता था, लेकिन वो भी एक लीडर थे, उन्होंने भी एक लीडरशिप वहाँ पे अपनी की थी निश्तर हॉस्पिटल में, वो बड़े अच्छे अंदाज में, आज उनका बेटा जो है वो भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी लीड के साथ वहाँ पर इलेक्शन हुए और वहाँ पर 822 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। 422 वोट दूसरी बिल्कुल सर आपकी जो एसोसिएशन जी प्राइम एसोसिएशन थी अशरफ साकी साहब जी, बिल्कुल उनको लीड कर रहे थे। तीसरा ग्रुप आपका था इंसाफ ग्रुप जी, जिन्होंने मेरे ख्याल 32 वोट जी 32 बिल्कुल ऐसे ही वोट लिए हैं। बड़ी अच्छी बात है, मैं तो आप लोगों को और आपकी शाइन यूनिटी को भी मुबारकबाद पेश करूंगा, बिल्कुल जी, कि उन्होंने बड़ी लीड से कामयाबी की, और मैं दुआगो हूं कि आपको जिस मकसद के लिए आपने इलेक्शन जीता आप उन पैरामेडिकल स्टाफ के लिए काम करें, उनकी दुआएं लें, और मजीद आप क्या कहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा जी, पहले तो निज़ाम टीवी का शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपने अपने प्लेटफार्म के तवसल से हमें मुलाजमीन तक भी ये बात मैं कहूँगा, जो हमारे सीनियर्स हैं जूनियर्स हैं, हम लोगों ने वहाँ काम करना है, आवाम की खिदमत करनी है, खिदमत खल्क है, ये हमारा इदारा है निश्तर हॉस्पिटल, हमने वहाँ पे एक यानी कि एक ऐसे फैमिली की तरह काम करना है, तो इसी के लिए जदोजहद है। तो ये यूनिटीज़, ये सारी चीज़ें, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन ये कि हम लोगों का जो बेसिकली मकसद है वो आवाम की खिदमत करना, वो इंशाल्लाह कर रहे हैं। तो मैं फिर अगेन शुक्रिया निज़ाम टीवी का कि इनके प्लेटफॉर्म से हमने ये मैसेज जो भी है वो आगे दिया, आपका शुक्रिया हाजी साई साहब, आप ने बुलाया तो। नहीं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, और ख़ास तौर पे मैं आवाम से यही कहना चाहूँगा, ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट होता है इसमें पैरामेडिकल स्टाफ का बहुत बड़ा हाथ होता है, बिल्कुल, पैरामेडिकल स्टाफ का पेशेंट के साथ प्लस डॉक्टर्स के साथ नर्सिस के साथ, ये एक ऐसा स्टाफ है जिसके साथ पेशेंट को बहुत पसीराई मिलती है, क्योंकि जो स्केल एक नंबर से जो पैरामेडिकल स्टाफ से शुरू होते हैं और तकरीबन 4-5 तक जाते हैं, इनका बहुत बड़ा किरदार होता है, और मुझे बहुत खुशी हुई है कि निश्तर हॉस्पिटल में एक यूनिटी आई है पैरामेडिकल स्टाफ की, एक
एक यूनियन बनी है जो कि इनके मसाइल हल करने के लिए एक अच्छा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना है, क्योंकि इनको जब कोई कंप्लेन होती है तो ना तो इनके डॉक्टर सुनते हैं जिनकी ये खिदमत कर रहे होते हैं, ना ही मेडिकल स्टूडेंट साहब इनको मानते हैं, ना इनको देखते हैं, इनको दूसरी नज़र से देखते हैं। बिल्कुल, तो ऐसा देखना नहीं चाहिए। शुक्र है, मैं आपको एक मरतबा फिर पूरी यूनिटी को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मेरी तरफ से राना आमर साहब को भी बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ कि उन्होंने पैरामेडिकल स्टाफ के लिए एक यूनिट बनाया, और मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब। और राना आमिर साहब की बड़ी एफर्ट है इस यूनिटी के लिए, निश्तर के लिए, और वो ब्रेव और यंगस्टर जिसे कहते हैं लीडर हैं वो, और इंशाल्लाह आगे भी वो, मुझे तो बड़ी उम्मीदें हैं उनसे कि वो आगे लीड करेंगे इंशाल्लाह। इरफान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, स्टूडियो में तशरीफ लाए, आपने बुलाया, अगेन थैंक यू। निजाम टीवी का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Yunus Mobile, wholesale dealer. All mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042-372-4485. Commerce or technical books ke bani Azim Group of Publications 1988 se qaim shuda Pakistan aur duniya ke mukhtalif mamalik mein Azim Group ki kitabe textbook ke taur par padhai jati hain. Urdu Bazaar, Lahore. Phone number 9242372314848.